हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है बजाज कंपनी का पल्सर बाइक 150 मॉडल DTSI इंजन है। और इस बाइक में हो क्या रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यानी कि कल मेरे पास एक बाइक कॉल किया था, तो मैंने उसे बोला ये चेकअप करो, तो उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ चेकअप करके देखा और बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। तो आज मेरे पास फाइनली ये बाइक आया है और एक्चुअली स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स, आज इस बाइक को हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक्चुअली आप लोगों को वीडियो के जरिए से दिखाएंगे जो एक्चुअली इस बाइक में ऐसा क्या फॉल्ट हुआ है जो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, बाइक में कंप्रेसर भी सही है और करंट भी सही है। तो चलो इस पर प्लग करके आपको खोलेंगे पूरे। पहले आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाइक में हम लोग को करंट बराबर आ रहा है, एकदम 100%। मारो मारो, बस 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 बस, करंट आप लोगों ने देख लिया, एकदम बराबर सही है। जब स्टार्ट ना हो तो हम लोग चार चीज़ का उपयोग करेंगे, एक नंबर करंट, दो नंबर टाइमिंग, तीन नंबर कंप्रेसर और एक फ्यूल। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा दिया जो करंट है, करंट बिल्कुल बराबर सही आ रहा है। अब दूसरा स्टेप हम लोग चेकअप करेंगे, इसका कंप्रेसर कैसा आ रहा है। इग्निशन को बंद करते हैं और इस पर प्लग की उंगली पर हम लोग छेद अगर डाले और इसे किक का उपयोग करें तो यहाँ फटफट करेगा। चलो मारो, देखो मारो, एकदम चट चट करके हम लोगों का कंप्रेसर आ रहा है, यानी कि हम लोग का जो इंजन है एकदम बढ़िया क्वालिटी है। तो चलो अब इस पर प्लग भी आप लोगों को चेकअप करके दिखा देता हूँ जो एक्चुअली हम लोग का प्रॉब्लम क्या है। मारिए, यहाँ देखिए इस पर प्लग पे जो हम लोग का फायरिंग है वो एकदम बीच पर आ रहा है, इस पर प्लग भी हम लोग का सही है। तो हमने क्या क्या चेकअप किया, जो करंट और कंप्रेसर। अभी हम लोग चेकअप करेंगे दो चीज़ और, तो फ्यूल की सप्लाई अभी हम लोग बाद में देखेंगे, एक मैकेनिकल जो हम लोग का फॉल्ट होता है वही हम लोग चेकअप करेंगे गाइस। सबसे पहले हम लोग मैग्नेट ओपन करेंगे, मैग्नेट के अंदर दिया जाता है एक लॉक, अगर वो लॉक कट जाएगा तो बाइक हम लोग को हरगिज़ हर हाल में स्टार्ट नहीं होगा। तो चलिए वही प्रोसेस आप लोग करते हैं, मैग्नेट लॉक हम लोग चेकअप करते हैं। पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। चलिए किक मारिए, देखिए गाइस बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए अब तीसरा स्टेप जो है वही हम लोग चेकअप करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो के जरिए से जो तीसरा स्टेप क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को पता चलेगा जो इसके अंदर मैग्नेट लॉक जो है वो कट गया है या सही हो गया, सही है, वही हम लोग चेकअप करेंगे। तो पहले इस पर प्लग हम लोग खोलेंगे और पिस्टन को टॉप में करेंगे। टॉप में करने का बाद यहाँ टाइमिंग अगर हम लोग सही मिल रहा है तो फिर मैग्नेट खोलने से हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है मैग्नेट लॉक हम लोग का बिल्कुल बराबर सही है। देखिए पिस्टन टॉप में होने का बाद यहाँ जो हम लोग का पिस्टन मैग्नेट का जो टी है टॉप, एकदम ठीक बिल्कुल हम लोग का सही पोजीशन में है। अगर मैग्नेट लॉक कट जाते हैं तो ऐसा दिक्कत होता है, बट मुझे नहीं लगता है लॉक कटा हुआ है। फिर भी आप लोगों को कोशिश करके दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके जो मैग्नेट लॉक हम लोग का सही है। चलिए मैग्नेट पूरा लाइए, पल्सर वाला, ये पल्सर वाला नहीं है। मैग्नेट लॉक ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेट लॉक हम लोग का कोई भी समस्या नहीं है, आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पहले ही बताया था। तो फ्रेंड्स, हमने तीन चीज जो स्टेप है वो चेकअप कर दिया। अब आखिरी उम्मीद है हम लोग का जो कार्बोरेटर है उसे हम लोग ओपन करेंगे। तो टैंकी में पहले हम लोग देखेंगे इसका फ्यूल आ रहा है कि नहीं, उसके बाद इसको हम लोग ओपन करते हैं, फ्यूल चेकअप करेंगे। तो फ्यूल भी बराबर आ रहा है, छोड़ दो। अब हम लोग कार्बोरेटर ओपन करेंगे, एक्चुअली कार्बोरेटर के अंदर क्या हुआ है।
तो फ्रेंड्स मैंने तीन चीज चेकअप कर लिया है, अब जो हम लोग का एक चौथा चीज़ है वो फ्यूल की सिस्टम। तो मैंने क्या किया, इस बाइक का जो कार्बोलेटर है इसे मैंने ओपन किया और ये जो कार्बोलेटर है अभी मेरे पास दूसरे बाइक का है। तो चलिए बाइक को अभी स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे एक्चुअली हो रहा है कि नहीं। मारिए, मारो, यानी कि बाइक तो हम लोग का स्टार्ट हो चुकी है और इस बाइक में फ्यूल पड़ रहा है, जो ये कार्बोरेटर मेरा थोड़ा ख़राब है लेकिन सही है, स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कार्बोरेटर ख़राब के कारण बाइक में स्टार्ट नहीं हो रहा था, चलो बंद करो बाइक को। तो चलिए हम लोग इसे ओपन करेंगे, एक्चुअली देखेंगे इसके अंदर क्या ख़राब हुआ है वही हम लोग चेकअप करेंगे, क्यों हम लोगों का बाइक स्टार्ट ठीक से नहीं हो रहा है और स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो चलिए हम एक्चुअली इसको खोल के ऑफ करेंगे, क्लियर करेंगे और एक्चुअली फिर इसको लगाएंगे, ठीक है। तो चलो वो वाला कार्बोरेटर खोल दीजिए और इसको हम लोग सफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पूरे बाइक का जो जेड है सभी को लगभग हमने क्लियर किया, ये स्लो जेड है, इसके अंदर सुराग मैंने चेक किया, मेन जेड है और कार्बोरेटर जो चैम्बर है सारे के सारे लिंक मैंने जैसे कि थ्रोटल क्लीनर देके मैंने वॉश किया। तो चलो ये सब फिटिंग करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ और बाइक में लगा के देखता हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली जो इस बाइक का कार्बोरेटर है ये वाला कार्बोरेटर सफाई करने के बाद हमने लगाया, बाइक में स्टार्ट हो रहा है, पिकअप नहीं ले रहा है। तो ये कार्बोरेटर हम लोग का फाइनली चलेगा नहीं। तो मेरे पास जो वाला था पुराना उसी को मैंने एडजस्ट करके दिया और तेल जो यहाँ गिर रहा था वो भी मैंने ठीक किया और बाइक अभी हम लोग का सही चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट मार के। तो बाइक एकदम हम लोग का स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो था एकदम 100% सही हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहां से हम वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।